आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। गर्मी बढ़ने के साथ बच्चों में डायरिया का प्रकोप बढ़ने लगा है। लगातार उल्टी और दस्त के साथ बच्चों में इन्फेक्शन हो रहा है। जिला अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। बरेली के लगभग हर मोहल्ले में डायरिया के मरीज देखने को मिल रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अमित कुमार देवल। अमित जी, क्या बात है आपके बच्चों को? डायरिया हुआ जी। कब भर्ती कराया था? ये दो दिन पहले। कहाँ कराया था? पटबगली चावाई बरेली। कहाँ भर्ती कराया आपने? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कब क्या कुछ? अब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुधार। थाना बारादरी क्षेत्र के सकलैन नगर निवासी रेशमा ने बताया, उनकी बेटी अदीबा को डायरिया हो गया था। चार दिन हो गए, अब बेटी ठीक है, इलाज चल रहा है। रेशमा, निमोनिया, डायरिया जी, मंडे वाले दिन, 13 महीने की हैं अदीबा। डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा। तकरीबन बरेली हर मोहल्ले से डायरिया का कोई ना कोई मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है। यहाँ गुलाब नगर बजरिया निवासी कीर्ति रोहिला ने बताया, उनका बेटा अक्षय रोहिला को डायरिया हो गया था। 5 दिन से भर्ती है, इलाज में सुधार है, इलाज चल रहा है। कीर्ति रोहिला। क्या हुआ आपके बच्चे का नाम? बच्चे का अक्षय रोहिला। इसको डायरिया हो गया था, फिर आप इसकी तबीयत पहले से तो ठीक है। जिला अस्पताल में हमने कराया है मतलब 22 तारीख को, गुलाब नगर बजरिया। जिला अस्पताल में भर्ती डायरिया ग्रस्त बच्चों में सुधार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नए मरीजों की आमद भी जारी है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी इस बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रेमचंद। क्या हुआ आपके बच्चे को? डायरिया हुआ था। इस डायरिया की वजह से इसका ब्लड कम हो गया था, खून की पेचिस आ रही थी। फिर हमने कहा कि चलो डिस्ट्रिक्ट में जमा करवा दें एडमिट। अब आज हो गए जैसे 6-7 दिन। अब ये बच्चा हमारा, डॉक्टर लोग कह रहे हैं अब ये बच्चा ठीक है, आप इसकी छुट्टी करा लीजिए। जिला अस्पताल के बच्चों के वार्ड की इंचार्ज ने भी बताया कि इस समय ज्यादातर मरीज डायरिया के आ रहे हैं। इलाज अच्छा चल रहा है और डॉक्टर्स बच्चों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। यही वजह है कि एक सप्ताह में लगभग 50 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। रानी देवल जी, हाँ, यहाँ के इंचार्ज, बच्चा वार्ड इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ ज्यादातर डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं। इलाज भरपूर अच्छा से चल रहा है, डॉक्टर कम ने बहुत अच्छे से मरीज को देखते हैं। हमारा पूरा स्टाफ बस बच्चों की सेवा में लगा रहता है और बच्चे खुश होके और उनके पेरेंट्स खुश होके यहाँ से जाते हैं। उन्हें सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं और किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। एक हफ्ते के अंदर लगभग 50 से 60 पेशेंट ठीक होके गए हैं यहाँ से। जिला अस्पताल की ADSIC डॉक्टर अलका शर्मा ने बातचीत में बताया कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अस्पताल में दवा भरपूर है। तेज गर्मी और उमस की वजह से डायरिया का प्रकोप सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को डायरिया से बचाने के तरीके भी सुझाए। सबसे पहले तो मेरे द्वारा जो है ये डायरिया शुरू होने से पहले सारा मेडिसिन स्टोर में मैंने फ्लूइड है, मेडिसिन वगैरह सब एडवांस में मंगा के रख लिए अच्छे से, कि बच्चों को बोतलें वगैरह मिलती रहे, मेडिसिन मिलती रहे। और सभी उनको बोल दिया है मैंने अपने EMO को कि तुरंत बच्चों को भर्ती करें जो डायरिया से आ रहे हैं। और वहाँ पे भी PDIA वार्ड में भी मैंने 4 बेड और एक छोटा वार्ड तैयार करा दिया, जिसमें अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो उधर शिफ्ट कर सकती हैं। एटलीस्ट बच्चों को बोतल है, मेडिसिन वगैरह सब बच्चों को मिल जाए। रोजाना लगभग ये तो हाँ 4-6 बच्चे रोज ही आ रहे हैं। और उसके अलावा मैं बच्चों को जो है माएँ जो हैं बाजार का खाने को ना दें, बहुत गर्मी है, बार बार पानी पीने को दें उनको। और जैसे तरल पदार्थ हैं, बच्चों को मट्ठा दे दिया और शिकंजी दे दी बच्चों को, और ये जो ताजे फल हैं
जूस वाले, लाइक जैसे खरबूजा है उसमें पानी होता है, खीरे में पानी होता है, ये सब खूब खिलाएं बच्चों को, अपने घर में रखें, धूप में बाहर ना निकालें, जिससे बच्चों को, और बच्चों को नहला धुला के साफ़ सुथरा रखें, हाथ ज़रूर धोएं बच्चे खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं, और उनको तरल पदार्थ उनको ज़्यादा दें बच्चों को, नींबू डाल के, नमक है काला नमक डाल के शिकंजी वगैरह बना के दें, दही दही की लस्सी बना के दें, और ये सब चीज़ें खूब खिलाएं बच्चों को, बाहर धूप में ना घुमाएं, अननेसेसरी बच्चों को धूप में ना निकालें। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।